दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों ये मैंने ब्लाउज पीस कट कर लिया है साइज के अनुसार और मैंने नीचे से भी इसमें फोल्ड कर दिया है, लाइनिंग के साथ भी अटैच कर दिया है और प्लेट भी डाल दी है। अब मैं आपको नेक डिजाइन बताती हूँ। उसके लिए हमको ये डबल फोल्ड करना पड़ेगा और जो नेक डिजाइन में बुकरम पे कट करूंगी उसके बाद में ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो ये मैंने बुकरम लिया है, इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। जो नेक की लंबाई है वो हमारी 9.5 इंच तैयार में, और जो हम डिजाइन डालेंगे 1 इंच की डिजाइन आएगी और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो टोटल हम 11 इंच में इसको कट करेंगे डिजाइन को। तो हम इस तरह से 11 इंच में इसको निशान लगा लेते हैं। हमारी जो डिजाइन रहेगी इसके अंदर रहेगी ये हमारा एक्स्ट्रा शोल्डर से 2.5 इंच, और जो मैं डिजाइन बना रही हूँ वो जो जैसे मैंने ये निशान लगाया है नीचे का हमारा पार्ट है, तो मैं इस तरह से इस क्रॉस में इस डिजाइन टेप को इस तरह से रखूंगी। और जो कटिंग करूंगी मैं थोड़ा ब्रॉड में कट करूंगी क्योंकि इसमें पैच आएगा, तो ब्रॉड में ले रही हूँ इसको। इस तरह से आप देख सकते हैं 4.5 इंच मैंने ये ब्रॉड लिया है। तो 4.5 इंच जो ब्रॉड लिया है उसमें मैं स्टार्टिंग से इस तरह से मैंने क्रॉस में टेप रखा है और ये क्रॉस में 5 इंच आ रहा है इस तरह से। और जो हम इसको कट करेंगे तो हमारा ये इस तरह से आएगा, ये सिलाई मार्जिन रहेगा और ये हमारा नेक कटिंग रहेगा। और जो शोल्डर से 2.5 इंच लिया हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। अभी जो हमको मार्जिन चाहिए उतना रखते हैं इसमें, तो हम मार्जिन 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा है। कटिंग जो करेंगे हम इस तरीके से करेंगे। तो हमारा नेक डिजाइन इस तरह से कट हो रहा है। तो मैंने जो इसमें कलर डाल रही हूँ मैं इस कलर की पाइपिंग डालूंगी और जो पैच अटैच करूंगी वो भी सेम कलर करूंगी। तो मैं इसको बुकरम को इस कपड़े पर अटैच करती हूँ। मैंने कपड़ा कट कर लिया है, इस तरह से रख लिया है और मैं इसके जो शेप है हमारी नेक की सेम शेप में मैं स्टिचिंग डालूंगी और उसके बाद जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ था मैंने कट कर लिया है, अब इस क्लॉथ को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी सेम मॉडल में। जैसे मैंने नेक तैयार कर लिया देख सकते हैं ये हमारा बैक साइड में अंदर फोल्ड हो जाएगा। अभी मैं जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है वो हम बाद में कट करेंगे क्योंकि हमको उसमें ब्लाउज में अटैच करना है। उससे पहले हम इस जो फोल्ड सेंटर है ये सेंटर को इस तरह से पकड़ेंगे और जो इस तरह से बराबर कर लें क्योंकि आगे पीछे नहीं जाए, नहीं तो आपका गला आगे पीछे हो जाएगा। तो ये सेंटर है ऊपर का, यहाँ से आप इस तरह से कट दे दें और जो नीचे का है आप यहाँ पर चौक से निशान लगा दें। अभी जो ये ब्लाउज है इसको मैंने इस तरह से रख लिया है और जो ये डिजाइन है इसको भी मैं इस तरह से इसके ऊपर रख लूंगी। तो ऊपर का तुम्हारा पॉइंट बराबर आएगा, जो नीचे का है उसका हम इस तरह से निशान लगा देते हैं यहाँ पर। सेम ये शोल्डर पर जो हमारा नेक कट होगा यहाँ पर भी हम इस तरह से पॉइंट दे देते हैं। तो ये हमारा ऊपर पॉइंट हो गया, ये हमारा नीचे का पॉइंट है, तो ये सेंटर का पॉइंट है। अभी जो हमने ये नेक कट किया है तो इस पॉइंट को हम इस तरह से रखेंगे, जो ये पॉइंट लगाया है ये बुकरम के स्टार्टिंग में, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम इस तरह से रखेंगे नेक में। अभी इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन स्टिचिंग डाल देते हैं जिससे कि ये सेट हो जाएगा।
ये चीज देख लें कि आपका नीचे आगे पीछे नहीं जाए, तो हमारा ये बराबर आ रहा है यहाँ पर। जो बुकरम का स्टार्टिंग है मैंने वहीं पे इसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ तक लेंगे तो पलटा नहीं जाएगा वो। अभी जो ये नेक है, सेम नेक शेप में हम स्टिच डालते हैं, क्योंकि अभी ये ओपन है हमारा। अब देख सकते हैं ये हमारा नेक, पूरा जो नेक शेप है हमारा अटैच हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है अंदर का, उसको हम कट करते हैं। उसके लिए 1/2 इंच हम ये क्लॉथ छोड़ देंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा अंदर की साइड। अभी जो ये पॉइंट है, इन पर भी हम कट दे देंगे, जिससे कि पलटने में इजी रहेगा। अभी इसको हम इस तरह से पलटेंगे अंदर की साइड, और यहाँ पर हम स्मॉल सी पाइपिंग देंगे इस तरह से। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग डाल दिया, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। अभी जो हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर ली थी, तो मैं यहाँ पर पैच डालूंगी। उसके लिए जो हमने ये नेक कट किया था, सेम नेक का ड्राफ्ट रख के हम बुकरम कट करेंगे। जैसे मैंने नेक कट किया था तो उसी का ड्राफ्ट है, और ये बचा हुआ बुकरम है, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ इसके ऊपर, और सेम ड्राफ्ट पर मैं इसमें निशान लगा दूंगी। तो जो ये लिया है ना, अंदर की साइड स्टिचिंग चला जाएगा, और जो ये पैच रहेगा उसका हम 1 इंच चौड़ी इसकी पट्टी कट करेंगे इसमें से। तो इस तरह से आप 1 इंच में निशान लगा लें, और शेप सेम देंगे जो हमारी नीचे शेप आ रही है इसकी। तो जो कट करना है इस पॉइंट पर कट करना है, और जो ये पॉइंट रहेगा ये एक्स्ट्रा रहेगा, इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो कि सिलाई मार्जिन में रहेगा ये। इसको हम कट नहीं करेंगे, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये पैच जो है इस तरह से आएगा। अब इस पैच को मैं जो पाइपिंग डाला है इस कलर पे अटैच करूंगी मैं, इस कलर का डालूंगी। जैसे कि ये लाइट कलर है, बुकरम डालूंगी तो दिखेगा, इसीलिए मैंने ये लाइनिंग दिया है इसके अंदर। तो मैंने नीचे कपड़ा रखा, ऊपर लाइनिंग रखा है, और इसको अभी जो हमने नेक कट किया है ये डिजाइन रख दिया बीच में। अब इसको कवर करने के लिए मैंने फिर से लाइनिंग लिया है। अभी जो ये नेक शेप है, तो इस नेक शेप में हम स्टिचिंग डाल देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देंगे। अभी जो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट कर देते हैं। अभी साइड से भी कट कर देते हैं। इसमें 1/2 इंच छोड़ देते हैं, जो कि हम अंदर फोल्ड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
जैसे मैंने ये बकरम के साथ सेट कर लिया है, ये ब्लाउज का पीस है तो मैंने इसकी पाइपिंग डाल रही हूँ, तो मैंने ये क्रॉस में कट कर लिया है। अब इसको ये नीचे रखा है, इसके ऊपर मैं कपड़ा की पाइपिंग डालूंगा। जैसे मैंने इसको इस तरह से सिलाई डाल दी है, अब इसके लिए पाइपिंग दूंगी, तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसमें पाइपिंग लगाएंगे। आरा शेप इसमें हम कट दे देंगे, तो पाइपिंग देने में हमको इजी रहेगा, यहाँ पर फोल्डिंग नहीं आएगी। इस तरह से कट दे रहे हैं। जैसे मैंने पाइपिंग दे दी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से शेप आ रही है। अभी जो हमने ये कट किया था, अब इसमें हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। जो ये सेंटर है, तो आप इसका इस तरह से सेंटर ले लें, इस तरह से। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक टांका मार देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इस पैच को हम इस तरह से पूरा स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक टांका लगा देंगे, मैं यहाँ पर एक इसको जो हमारे शेप है यहाँ पर एक टांका लगा देते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। जिसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, तो आप इसको इस तरह से सेम यहाँ राउंड तक हम स्टिचिंग डालेंगे। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका नेक तैयार हो गया है, तो तैयार होने के बाद इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं, और जो बैक साइड है यहाँ पर आप तुरपाई कर लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।